हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। ये देखो पाभोमास, एकदम ताज़ा ताज़ा पाभोमास की रेसिपी आप लोग के सामने आज लाऊंगी मैं। और देखो लाल लाल हॉट पाभोमास की, बहुत देखने में खूबसूरत है पाभोमास जो होती है। और एकदम हम लोग की पास में एक नदी है, उधर से पकड़ के लाए हैं एक दादा ने। देखो बहुत खूबसूरत है। सो साफ सुथ कर लिया है, अभी इसकी ही थोड़ी सिंपल रेसिपी लाऊंगी टोमेटो के साथ, पाभोमास की तेल झाल रेसिपी। सो पाभोमास की रेसिपी कई लाई है मैंने सरसों के साथ भी, लेकिन आज मैं फर्स्ट टाइम ऐसे तेल झाल बनाऊंगी सिंपल तरीके से। थोड़ी नमक दे रही हूँ और थोड़ी हल्दी दे रही हूँ अभी। उसके बाद मैं अच्छे से देखो इसको मिक्स कर रही हूँ, उसके बाद मैं फ्राई कर लूँगी। और फ्राई करने की टाइम मतलब थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि फटक फटक फूटती है उसकी तेल, मतलब छिड़क जाती है, इसलिए मुझे बहुत डर लगती है गैस। और साइज़ इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन शायद टेस्ट होगी छोटी होने से भी। उस नदी की मछली बहुत टेस्ट होती है ऐसे सुनी है मैंने। सो जो भी हो, थोड़ी बहुत दिखाने की कोशिश करूँगी आप लोग के सामने। आप लोग भी मेरी ये रेसिपी एक बार घर पे ट्राई करके देखिए गाइस। ये देखो पूरी नमक हल्दी लगा ली मैंने, प्याज काट ली, टमेटो, धनिया और ये मिर्चा, सिंपल तरीके से बनाऊँगी गाइस। मछली को पहले मैं फ्राई कर लेती हूँ एक एक करके, और थोड़ी मैं दूर से ही दे रही हूँ मछली को, क्योंकि मुझे बहुत पास आने के लिए देखो डर लगती है, मतलब तेल छिड़क जाती है, इसलिए मुझे बहुत डर लगती है। अभी मैं अच्छे से थोड़ी टाइट करके फ्राई कर लूँगी, ज़्यादा टाइट भी नहीं, उलट उलट कर दूंगी, एक बार इधर एक बार उधर। ये देखो गिर ही गई थी। और बहुत नाजुक होती है जो पाभोमास होती है, बहुत नाजुक होती है, मतलब अच्छे से नहीं पलटने से मतलब टूट जाती है। ये देखो गाइस, सही तरीके से मैं इसे एक एक करके पलट रही हूँ। सो बाकी की मछली भी मैं ऐसे करके फ्राई कर लूँगी। अभी एक प्लेट में मैं रख रही हूँ, फ्राई हो गई गाइस। मैं ज़्यादा टाइट भी नहीं करूँगी, क्योंकि करी में थोड़ी कमती फ्राई होने से ही टेस्ट ज़्यादा होती है। और ये देखो अभी रख दी, और मैं अभी बाकी की मछली भी फ्राई कर लूँगी। देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है देखो, तो ये भी मैं फ्राई कर रही हूँ। मछली फ्राई हो गई है गाइस। अभी मैं एक ही पैन में बनाऊँगी, थोड़ी तेल दे दी है। ये है काला जीरा, जो तेल में मैं पहले ही दे रही हूँ काला जीरा को। और प्याज में बड़ी साइज़ की 3 प्याज चॉप करके रखी थी, वो भी दे दी गाइस। और एकदम मैं मेरी तरीके से बनाने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ी बहुत आप लोग भी बनाते हैं, लेकिन मैं आज मेरी सिंपल तरीके से बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये है हरा मिर्चा, थोड़ी दे रही हूँ मिर्चा। जिसको ज़्यादा खाना पसंद है वो ज़्यादा दे सकते हैं, जिसको कम खाना पसंद है वो कम भी दे सकते हैं। मछली ये देखो साइड में मैंने रख दी फ्राई करके पूरी, देखने में बहुत अच्छी लग रही है। सो थोड़ी चीनी भी दे रही हूँ, स्वाद की बैलेंस तब सही हो जाती है, मतलब अच्छी हो जाती है। अभी मैं प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। देखो गाइस धीरे धीरे हो रही है। अभी टोमेटो दे रही हूँ, टोमेटो ज़्यादा नहीं दूंगी क्योंकि ज़्यादा नहीं से खत्ता होगी, इसलिए दो मीडियम साइज़ की दो टमाटर दे रही हूँ। और इसकी मैं बीज फेंक देती हूँ, क्योंकि बीज खाने से प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसलिए मैं बीज नहीं देती हूँ, क्योंकि गैस की प्रॉब्लम
जिसको ज़्यादा है इसलिए, मुझे भी है थोड़ी बहुत। और थोड़ी हल्दी दे रही हूँ अभी, फिर से बूंद रही हूँ, देखो अभी नमक स्वाद अनुसार नमक दे रही हूँ, फिर मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। और टमेटो जब तक नहीं गल जाए तब तक, मतलब अभी जीरा पाउडर दे रही हूँ, साथ में ये लाल मिर्च काला दे रही हूँ, तब देखने के लिए सुंदर लगती है गाइस। थोड़ी पानी भी दे रही हूँ मसाले को, मतलब अच्छे से भूनने के लिए। सो टमेटो मतलब जब तक नहीं गल जाए तब तक मैं ऐसे भूनती रहूँगी, जब तक तेल बाहर निकल ना जाए गाइस। देखो थोड़ी थोड़ी तेल बाहर निकल रही है, अब जितना हो सके ऐसे मिक्स करें। अभी देखो पूरी की पूरी गल गई है टमेटो, और प्याज भी गल गई है। अभी पूरी तरीके से मसाले से तेल निकल रही है बाहर, अभी पानी दे रही हूँ गाइस। और पानी में गरम करके ही दे रही हूँ गाइस। ये देखो जोल एकदम फूट रही है, मतलब बकबक बकबक कर रही है। और ज़्यादा मैं झोल नहीं करूँगी, ग्रेवी ग्रेवी करूँगी, क्योंकि मैं तेल झाल बना रही हूँ। अभी मछली को मैं एक एक करके दे रही हूँ, पानी थोड़ी सूख गई है, देखो गाइस मछली ऊपर ही है। उसके बाद थोड़ी पानी और दे दूँगी मैं, मसाले अच्छे से मछली में घुस जाए। देखो गाइस, और पाभमस देखने में बहुत खूबसूरत है गाइस। खाने की तो बात छोड़ो, देखने में इतनी सुंदर है, जिसको पसंद है मतलब उसको बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी। सो देखो गाइस अभी हो रही है धीरे धीरे, और तेल ऊपर हो रही है। अभी देखो अभी थोड़ी मिर्चा और दे रही हूँ, क्योंकि तेल झाल बना रही हूँ। जितनी झाल अच्छा है अच्छी बात है, लेकिन जिसको कम खाना है वो कम दे सकते हैं। लगभग होने वाली है, मैं लास्ट में धनिया पत्ता ऐड करूँगी। और देखो अभी धनिया पत्ता दे रही हूँ, उसके बाद थोड़ी मिनट के लिए मैं रख दूँगी, करीबन 5 मिनट के लिए रख दूँगी ढक्कन लगा के, गैस की फ्लेम एकदम धीमी करके। ये देखो गाइस लगभग होने ही वाली है, अभी फाइनली रेडी हो गई गाइस। देखो तेल भी बाहर निकल गई और एकदम कंप्लीट। आज की मेरी पाभमस की तेल झाल रेसिपी कैसी लगी गाइस, लाइक कमेंट शेयर करना, साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और मैं बार बार बोल रही हूँ आप लोग को, मेरी रिक्वेस्ट है एक बार घर पे ट्राई करके ज़रूर देखिए गाइस, बहुत टेस्टी रेसिपी है। सो बाय बाय।